नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर में 27 मई से 31 मई तक खेलो इंडिया खेलों के तहत आयोजित होने वाली रोइंग प्रतियोगिता की तैयारी पूरी की जा चुकी है। आपको बता दें कि गोरखपुर में 27 मई से 31 मई तक खेलो इंडिया खेलों के तहत रोइंग प्रतियोगिता रामगढ़ताल गोरखपुर में आयोजित की जा रही है, जो कि यूपी में पहली बार हो रहा है, जिसमें देश के 28 टीमों के लगभग 400 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का आगमन शुरू हो गया है। खिलाड़ियों के रुकने व खाने पीने की पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा महानगर के अलग अलग होटलों में की गई है। इसके अलावा रामगढ़ताल के किनारे बने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। जीडीए द्वारा रामगढ़ताल को पूरी तरह से दीवालों पर खेलो इंडिया खेलों का पेंटिंग पोस्टर से सजा दिया गया है और साफ सफाई करवाया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। रामगढ़ताल में नौगायन की प्रतियोगिता के लिए ताल में गुब्बार लगाकर रास्ता बनाया गया है। अपने लाइन में ही प्रतियोगिता में शामिल होंगे और प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके अलावा रामगढ़ताल में आपदा विभाग द्वारा दो टीमें SDARF की लगाई गई हैं, जो कि खिलाड़ियों का ध्यान रखेंगे। यदि कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता में पानी में गिर जाता है तो तत्काल SDARF की टीमें पानी में कूद कर उसकी जान बचा लेंगी और स्वास्थ्य विभाग की दो टीमें रामगढ़ताल में प्रतियोगिता में रहेंगी, जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर खिलाड़ियों को तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करवाया जाए और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर दो एम्बुलेंस रहेगी। रोइंग प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों का 72 स्वर्ण पदक, 72 रजत पदक, 72 कांस्य पदक दिया जाएगा। वहीं रोइंग प्रतियोगिता में भाग लेने आती खिलाड़ियों ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोगों का गोरखपुर स्टेशन पर आते ही स्वागत किया गया और बस से होटल पहुँचाया गया। वहाँ पर हमारे रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है। हम लोग प्रतियोगिता को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग का पूरा फोकस गोल्ड जीतने पर है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, रोइंग प्रतियोगिता कंपटीशन मैनेजर सुधीर शर्मा, रोइंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए खिलाड़ी कोमला हसन, मानसा, दिलजोत कौर, सुखदीप सिंह ने कहा। बैंगलोर कर्नाटका से आई। कैसी है यहाँ की व्यवस्था? बहुत अच्छा है। हमें अच्छे से स्वागत किया रेलवे स्टेशन पे और होटल में लेके गए और खाना भी अच्छा रहा, ब्रेकफास्ट किया और हम लोग अभी आ जाए प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट डे, वेरी एक्साइटेड, देखना है कैसा होगा। ये मेरा पहला चैंपियनशिप नहीं है, रोइंग तो मैं बहुत साल से कर रही हूँ, पर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहली बार रोइंग इंक्लूडेड हुआ है, तो ये फर्स्ट टाइम है यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो यूनिवर्सिटी। अच्छा करने का, मेडल जीतना है। बैंगलोर कर्नाटका से। बहुत अच्छा दिया है, अकोमोडेशन भी, खाना भी बहुत अच्छा है और ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन से होटल से बहुत अच्छा है। बहुत एक्साइटमेंट है, अभी दो दिन प्रैक्टिस चलेगा, उसके बाद कंपटीशन शुरू होगा, तो हम अपना बेस्ट दूंगी। गोल्ड तो आना है पर देखेंगे कंपटीशन। कोमला एस एम। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। किस तरह की व्यवस्थाएं मिली आप लोग को यहाँ स्टेशन से? भी बहुत अच्छा था, हमारा वेलकम भी बड़ा अच्छा हुआ, पूरी माला मूला पहनाई, बहुत अच्छा था, बड़ा वेलकमिंग सा था सब कुछ। बहुत बढ़िया थी इस टाइम, बिल्कुल अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो हमारे को एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन उस हिसाब से बहुत बढ़िया करेगा। ये बहुत सुंदर लगा हमारे को, हमारे पास वहाँ चंडीगढ़ के अंदर भी सेम लेक है लेकिन उससे थोड़ी छोटी है, ये तो बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर है। हाँ जी, गोल क्या रहेगा? गोल गोल्ड मारेंगे इस बार, उम्मीद तो गोल्ड की है। मेरा नाम सुखदीप सिंह। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही है सर, हमें खाने की व्यवस्थाएं, यहाँ खेलने की बोट की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है सर यहाँ पे, और लेक तो है ही, ट्रैक तो बहुत अच्छा है सर। यहाँ पे हम रेलवे स्टेशन पे आए, वहाँ पे स्वागत हुआ तो अच्छा लगा और वहीं से हमें बस लेके होटल चले गए थे सर, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ जी, क्या गोल रहेगा इस बार? गोल्ड तो गोल्ड का ही है सर, बाकी भगवान की कृपा से जो होगा। सभी लोग गोल्ड चाह रहे हैं। हाँ जी, गोल्ड के लिए सभी आते हैं, बाकी हम भी गोल्ड के लिए आए हैं सर। चल, अगर कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 8-8 टीम है ना, 8-8 यूनिवर्सिटी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की नौकायन प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के रामगढ़ताल में 27 मई से 31 मई तक आयोजित होने जा रही है। इसमें हिंदुस्तान की
28 टीमों के लगभग 400 खिलाड़ी महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 30 इवेंट होंगे और 30 इवेंट में लड़कों के भी होंगे, लड़कियों के भी होंगे। सिंगल स्कल, डबल स्कल, पेयर, फोर, क्वाड्रब स्कल, 500 मीटर और 2000 मीटर की रेसें होंगी। विजेता को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक मिलेगा और साथ में वैजंती भी मिलेगी। और आपको एक चीज बताते खुशी हो रही है कि पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश में ये नौकायन प्रतियोगिता जोड़ी गई है, जिसका श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, जिनके अथक प्रयासों से ये गेम इस बार इंक्लूड किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये बोट क्लब बनकर तैयार हुआ है, ये लखनऊ, सॉरी गोरखपुर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश यानी भारत का एक सर्वश्रेष्ठ बोट क्लब के रूप में आने वाले समय में जाना जाएगा। कितना बढ़ावा मिला गोरखपुर के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों को इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के, जो कि खेलो इंडिया वाले करवाते हैं हर साल, इससे युवाओं में एक नई चेतना आती है, नई प्रेरणा मिलती है और ये प्रेरणा इनको आगे आने के समय में ओलंपिक में पदक भी दिलवाएगी। देखिए, खेलो इंडिया के माध्यम से यूनिवर्सिटी रोइंग गेम्स रामगढ़ ताल में गोरखपुर में प्रारंभ होने जा रहे हैं और उसके उसमें जो हमारा काम है वो रामगढ़ ताल के आसपास के क्षेत्र की सफाई, वहाँ का ब्यूटिफिकेशन और विभाग के साथ में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उस विभाग के साथ में समन्वय स्थापित करने का है। इसकी नोडल एजेंसी जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो उसकी डिटेल जो है वो आपको बेहतर वहाँ से मिल पाएंगी। कितनी टीमें लगभग? जैसे मैंने कहा ना कि सारा इसकी सारी डिटेल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास होती हैं, तो वो आपको बेहतर दे पाएगा। हम वहाँ पे केवल समन्वय स्थापित वेन्यू के हिसाब से वहाँ पे काम कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं विभाग ने की है। गोरखनाथ थाना क्षेत्र दिग्विजय नगर में प्रेम प्रसंग में धारदार से रेलवे कर्मचारी की हत्या की गई। आपको बता दें कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के दिग्विजय नगर में बीती रात रेलवे कर्मचारी की धारदार हथियार से मार कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर व एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, क्षेत्राधिकारी कोतवाली जगत राम कन्नौजिया व गोरखनाथ थाना प्रभारी विज्ञानकर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीबीआर को पुलिस कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। मकान में रहने वाले कुछ किराएदारों को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल प्रेम संबंधों को लेकर हत्या की चर्चा की जा रही है। गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र जटेपुर उत्तरी के रहने वाले जावेद अंसारी पुत्र अनवर अली अंसारी ने गोरखनाथ थाने पर तहरीर देकर बताया कि बीती रात को 1:30 बजे के करीब मेरे भाई जो दिग्विजय नगर वजीराबाद गोरखनाथ मकान बनवा रहे थे, मेरे भाई अफरोज अंसारी ने 6 माह पूर्व सादिया अंसारी से प्रेम विवाह किया था और वो दिग्विजय नगर में बने मकान में रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पर मेरे भाई अपनी पत्नी के साथ रहते थे और ऊपर मंजिल पर किराएदार रहते थे। मेरे भाई अफरोज अंसारी की पत्नी का चाल चलन व चरित्र सही नहीं था, उसका किसी के साथ प्रेम संबंध था, जिसको लेकर कई बार मेरे भाई का पत्नी से वाद विवाद भी हुआ। प्रेम संबंधों को लेकर मेरे भाई ने विरोध किया तो पत्नी उन्हें धमकी भी देती थी। साजिश के तहत 25 मई रात करीब 1:30 बजे अपने प्रेमी व दो अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं इस संबंध में एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही वांछित अभियुक्तों को व अभियुक्ता की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के आधार पर पूछताछ की जा रही, हत्या क्यों हुई और किसने की है इसका जल्द खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, कल रात्रि थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 112 को एक कॉलर द्वारा कॉल करके बताया गया, एक व्यक्ति का हमायूपुर नॉर्थ में मर्डर हो चुका है। यह सूचना प्राप्त होने पर थानाधिकारी एवं फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। आला अधिकारियों द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। मौके के निरीक्षण उपरांत फील्ड यूनिट की टीम ने अपने साक्ष्य संकलन किए गए और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उन्होंने उनकी पत्नी एवं उनके दो अन्य लोगों के साथ जिनके संबंध थे नामजद तहरीर दिए। उसके आधार पर 302 M120B IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है। सीसीटीवी के आधार पर इस घटना में शामिल जितने भी लोग हैं उनको संदिग्धों की पूछताछ की जा रही है एवं शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? कासिम अली। कासिम जी, क्या हुआ था ये जो सामने आपके पीछे मकान है? ढाई बजे रात को हल्ला हुआ। हाँ। तो हम लोग उठ के अंदर गए तो देख रहे मर्डर हुआ है। किसका? अफरोज भाई का। अच्छा, अफरोज भाई कैसे आदमी थे, कब से रह रहे थे यहाँ पे? अफरोज भाई लगभग 7-8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं।
उनका व्यवहार तो बहुत अच्छा ही था। तो इनके साथ मकान में और कौन कौन रहता है, किरदार भी रहते हैं क्या? जी हाँ। कितने किरदार रहते हैं? ऊपर तो लगभग 8-10 कमरे हैं, सभी कमरे फुल ही है। तो किस तरह के परिवार वाले रहते थे? नहीं सर, सब सभी स्टूडेंट थे सर। स्टूडेंट थे जी हाँ। तो क्या मामला था, कुछ पता चल पाया? क्यों मामला तो ये, अच्छा फिर उसके साथ और कौन कौन रहता था उनके परिवार में? उनकी पत्नी, बच्चे भी थे उनके? नहीं बच्चे नहीं थे सर। गुलरिया थाने की पुलिस ने लूट व मारपीट करने वाले महाकाल ग्रुप के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान राजेश कुमार यादव पुत्र शिव शंकर यादव निवासी जौनपुर टोला असनिया थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, दूसरा आलोक यादव उर्फ चंचल पुत्र संजय कुमार यादव निवासी जौनपुर टोला असनी थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, तीसरा रोशन यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी जंगल डुमरी नंबर 2 टोला मंदिर बाजार थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, चौथा सूरज यादव पुत्र रामचंद्र यादव निवासी जंगल डुमरी नंबर 2 टोला मंदिर बाजार थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, पांचवा मुनि विश्वकर्मा पुत्र शंकर विश्वकर्मा निवासी जंगल डुमरी नंबर 2 पासी टोला थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, छठवां रवि पुत्र बलिराम यादव निवासी घोटान खास कारखाना थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट के 37,000 रुपये बरामद किया गया है। एसपी नार्थ ने बताया कि गुलहरिया थाना क्षेत्र के ग्राम खपड़हवा रामनगर जैनपुर खुटहावा अन्य गांव के कुछ नए उम्र के युवकों के द्वारा व्हाट्सएप पर महाकाल टीम नाम से ग्रुप संचालित किया जा रहा था। इस ग्रुप के युवकों द्वारा छोटे मोटे विवाद पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से युवकों को इकट्ठा करके मारपीट व लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। दिनांक 20 मई को खपड़हवा चौराहे पर वादी मुकदमा राम मिलन के साथ ग्रुप के सदस्य रोशन यादव के मध्य छोटी सी एक्सीडेंट की बात को लेकर कहासुनी के उपरांत थोड़ी देर में ग्रुप के सदस्यों द्वारा एकत्र होकर तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की गई। इसके अलावा 21 मई की रात को 12 बजे भरवलिया गांव के पास विजय गुप्ता के पास राजेश यादव आलोक यादव उर्फ चंचल सूरज यादव के मध्य हुई कहासुनी के फलस्वरूप थोड़ी देर में महाकाल के एडमिन व सदस्य आकर विजय गुप्ता के साथ मारपीट करते हुए 45,000 छीन लिए, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलहरिया थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक शेष कुमार शर्मा, उप निरीक्षक विवेक कुमार अवस्थी, देवेंद्र कुमार दुबे, कांस्टेबल प्रदीप गुप्ता, चंदन प्रताप, राजू यादव, अनुपम कुमार शामिल रहे। महाकाल ग्रुप के मेंबर थे। इसके अलावा अभी काफ़ी हमने गहनता से पूछताछ करी है, 4 टीमें लगाई गई थी, जो ग्रुप है वो लगभग अभी बंद है। किसी के भी फ़ोन से ना तो हमें स्क्रीनशॉट मिले हैं, ना कोई और कोई चैट वगैरह कुछ नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये चीज़ फैल गई कि अभी पुलिस सतर्क है और ये सब लोग ग्रुप छोड़ के ग्रुप डिलीट करके ये चीज़ बंद कर दी गई है। इसमें 8 लड़के पुलिस हिरासत में लिए गए, 2 लड़के 415/23 जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में एक दुकान में घुसकर थोड़ी मारपीट की गई, तो उसमें 2 लड़के इसमें गिरफ्तार हुए हैं और बाकी 2 429/23 इसमें 394 धारा लगी है लूट की। इसमें डीजे वाला एक था, उसके साथ में उसके 45,000 रुपये ऐसे उसने बताया के लिए और उसके साथ में भी काफ़ी मारपीट करी गई। ये इस ग्रुप का एडमिन भी रहा है और इसके ऊपर पहले से 2 मुकदमे पहले दर्ज रहे हैं। इसकी एक हमें रील भी मिली थी जिससे ये पुष्टि हुई कि ये इसका सदस्य भी है और सक्रिय है। बाकी इसमें कई ऐसे भी लड़के थे जो एकदम नाबालिग हैं, 14-15 साल के भी थे, जिनका इस ग्रुप से वैसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो ऐसे इसके मेंबर बन गए थे। किसी को इनवाइट आता है, कई खुद भी कहते हैं कि हमें आप मेंबर बना लीजिए, क्योंकि ग्रुप में तमाम तरह की चीज़ें भी शेयर होती हैं। तो इस तरीके संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, थाना गुलरिया के अंतर्गत ये सूचना मीडिया से और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही थी कि कोई महाकाल नामक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके सदस्य जगह जगह पहुँच के और मारपीट या आपराधिक घटनाएँ कारित कर रहे हैं। इस संबंध में 2 FIR भी पंजीकृत हुई थी। एक ग्राम खपड़हवा की
जिसमें कि वादी राम मिलन ने ये सूचना दिया था कि उनके यहाँ कुछ लड़के आए जिन्होंने अपने आप को महाकाल ग्रुप का बताया और मारपीट की, और इसके अलावा एक भरवलिया गांव के विजय गुप्ता थे, इन्होंने भी ये सूचना दी कि कुछ महाकाल ग्रुप के सदस्य आए थे जिन्होंने कुछ मारपीट किया और कुछ इनका पैसा लूट लिया। इस पर FIR पंजीकृत की गई और चार टीमें ASP गोरखपुर के नेतृत्व में बनाई गई। इन्होंने इनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 5 इन अभियोगों से संबंधित हैं जिन्होंने इसमें अभियोग में अपना होना स्वीकार किया है। इन 5 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक अन्य व्यक्ति भी महाकाल का सदस्य, महाकाल ग्रुप का है, व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसको कि 151 के अंतर्गत जेल भेजा जा रहा है। इस समय कोई भी इस तरह का ग्रुप प्रचलित नहीं है, ये इसकी पुष्टि की गई है, और जो भी इस ग्रुप के सदस्य थे या जो भी ग्रुप चला रहे थे उन्होंने इस ग्रुप को डिलीट कर दिया है। भविष्य में भी इस तरह की कोई अगर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये सभी सामान्य युवा वर्ग के लोग हैं जो कि कोई विशेष आपराधिक इतिहास इनका नहीं है, सामान्य तौर पे 18 से और 21-22 वर्ष के बीच के ही हैं। ग्रुप कब से चला रहे थे? एक डेढ़ महीना। ये करीब 1.5 महीने पहले से ग्रुप चला रहे थे, और जब इनके द्वारा आपराधिक घटनाएं इसमें की गई तब इस पे FIR दर्ज करके कार्रवाई की गई। जनपद में रोइंग गेम्स से खिलाड़ियों की देखरेख करने के लिए 112 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि यह गोरखपुर में बहुत गौरव की बात है कि खेलो इंडिया खेलों के तहत रोइंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जो कि रामगढ़ ताल में किया जा रहा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और खिलाड़ियों के ठहरने के लिए 9 होटल की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर खिलाड़ियों के रहने व खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है और जहां पर ताल में प्रतियोगिता होगी वहां 2 टीमें नाव पर रहकर कार्य करेंगी, जिससे खिलाड़ियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके अलावा 4 एम्बुलेंस व 112 डॉक्टरों की टीम की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, गोरखपुर के लिए एक बड़े गौरव की बात है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है रोइंग प्रतियोगिता, जो युवाओं का खेल है, वो गोरखपुर हो रहा। गोरखपुर शहर जैसा आप जानते हैं युवाओं के लिए है, यहाँ युवा शक्ति बहुत अधिक है, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए महाराज जी की कृपा से ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, और ये रामगढ़ ताल जो अपने नाम से बहुत सदियों से विख्यात रहा है वहाँ पर रोइंग प्रतियोगिता होगी। उसके लिए चिकित्सीय व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। हमारी जितने भी यहाँ के 9 होटल्स हैं उनके लिए हमारी टीमें राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं। यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी हमारा एक हेल्थ का कैंप कंटिन्यूअस चलेगा, और जहाँ पर नौकायन होगा ताल के अंदर भी हमारी 2 टीमें नाव पर सुसज्जित रहेंगी, जिससे जो खिलाड़ी आए हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, बाबा गोरक्षनाथ से, ये सभी खिलाड़ी अच्छे से खेलें और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में रोइंग प्रतियोगिता में मेडल जीत करके गोरखपुर का नाम करें। एम्बुलेंस वगैरह ये सब चीज़ें सब कुछ है हमारे पास, 4 एम्बुलेंस लगी हुई हैं, 2 ALS सामान्य एम्बुलेंस है, 2 हमारे पास ALS एम्बुलेंस लगी है, करीब 112 डॉक्टरों की टीम हमारी जो है इनकी चिकित्सा सुरक्षा के लिए लगी हुई है। जनपद में GDA के द्वारा खोराबार टाउनशिप व मेडिसिटी का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसके संबंध में GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि GDA के द्वारा खोराबार टाउनशिप व मेडिसिटी का शिलान्यास व भूमि पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन गुरुवार से शुरू कर दिया गया है, इसलिए नागरिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। उन्होंने कहा कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो हम रोटरी के माध्यम से और बाकी जो प्लॉट है उसको ई ऑप्शन के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे, जो कि लोगों को पसंद आएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा खोराबर टाउनशिप और मेडिसिटी जो ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शिलान्यास और भूमि पूजन किया जा चुका है, उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से हम ओपन कर रहे हैं, और मैं गोरखपुर वासियों और आसपास के सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि आप इसमें फ्लैट्स और भूखंड्स के लिए जो भी आपकी आवश्यकता है आप उनमें अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करें, और 1 महीने तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, उसके बाद में जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो हम
लॉटरी के माध्यम से और बाकी जो प्लॉट्स हैं वो ई ऑक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से हम गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के जो क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं उनकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे।